नमस्कार दोस्तों, बब्बर व्लॉग में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज मैं आपको चिल्काना रोड पे लेके जाऊंगा और यहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ है। ये माधवनगर का चौक, ये पुरानी चुंगी। ये खुमरान पुल, जी हाँ, ये है खुमरान पुल। मैं इस समय खुमरान पुल पर हूँ। ये खुमरान पुल, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, बच्चे झांक झांक के देख रहे हैं एक समय से। चलिए थोड़ा सा स्पीड एक बार और बढ़ाऊं मैं। ये मेरे साइड देखिए, ये यहाँ का तालाब है, इस गांव का तालाब जिसे कहते हैं। कितना बड़ा तालाब है, मैं आपको तालाब जरूर दिखाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा है तालाब। नहर पे ये पुल की चढ़ाई, ये नहर आ गई है। देखिए आप, ये पुल, ये पीले रंग का, जी हाँ, ये नहर। इस समय नहर के बीचों बीच पुल पे मैं नहर पे ही अपनी गाड़ी रोकूंगा और यहाँ पर मैं गाड़ी लगा के पहले आप। तो दोस्तों, यह है नहर, ये चिल्काना रोड पर जो नहर है मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। इसके दोनों तरफ बाग है, खेत है। अभी ये इसमें पानी कम है शायद, लेकिन इतना भी कम नहीं है। ये दूसरी साइड है, ये देखिए, यहाँ पे ये पुराना पुल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो पुराने पुल पे इन्होंने पानी रोका हुआ है यहाँ पे। ये पुराना पुल है,
चलिए मैं उस साइड आपको लेके चलता हूँ, दूसरे पुराने पुल पे। चले पुराने पुल पे हम, ये बहुत, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है तो दूसरे हाथ से मैं स्कूटी भी चला रहा हूँ। मेरे राइट साइड देखिए कितना घना जंगल है, ये यहाँ पे इतने घने पेड़ हैं ये कि धूप भी मुश्किल से जाती होगी ज़मीन तक। चलिए हम पुराने पुल पे चढ़ते हैं। पुराना पुल, ये हम चढ़ चुके हैं पुराने पुल पे। आप यहाँ से देख सकते हैं ये पानी रोक रखा है इन्होंने। यहाँ पानी की गहराई लगती है कुछ, और हम कोशिश करेंगे नहर के अंदर भी उतरने की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुलिस सहायता केंद्र, यहाँ पर सुरक्षा के को देखते हुए यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है। लेफ्ट साइड नीचे उतरेंगे, ये देखिए आगे ये रोड जो है, मुझे पता नहीं है कहाँ जा रहा है, लेकिन घना जंगल है आगे। ये नहर के साथ साथ जा रहा है और इधर मेरे राइट साइड घना जंगल है। अभी बरसात के दिन थे तो चलिए हम यहीं पे रुकेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए आप दर्शकों, दिखाओ दिखाओ उनको नीचे रख के। ये देखिए, इसको कहते हैं केकड़ा। हाँ, इसको कहते हैं केकड़ा। तो ये देखिए, इस भाई ने बहुत सारे केकड़े पकड़े हुए। तो चलिए दर्शकों, आज मैं आपको नई चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। हम जैसे कि मैंने बताया था, नहर में उतरेंगे हम, तो ये नहर में अब उतरेंगे। वैसे तो बहुत गहराई है इसकी, धीरे धीरे मैं उतरूँगा। ये देखिए एकदम बहुत ज़्यादा, ओ तेरी हा, मेरे हाथ भी खराब हो गए। आज आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी दोस्तों। ये देखिए नहर, मैं नहर में उतरा हूँ आज, क्योंकि नहर में पानी कम है। और ये लोग यहाँ पर केकड़े पकड़ने के लिए आए थे। ये देखिए, इस भाई ने केकड़ा पकड़ा है, दिखाओ भाई दर्शकों को, ऐसे ऐसे दिखाओ। वाह, ये केकड़ा पकड़ा है इस भाई ने। अच्छा, और भी है क्या यहाँ पे? ये देखिए, ये देखिए कैसे ये आराम से केकड़ा पकड़ रहे हैं। है एक छोटा से छोटा सा केकड़ा, और ये देखिए कैसे ढूंढ रहा है भाई। केकड़ा नहीं है, कुछ और है, ये मछली मिली है भाई को। मछली ये देखिए, मछली मिली है भाई, दिखाओ मछली। उधर दिखाऊं? हाँ उधर दिखाओ। ये देखिए, ये भाई को मछली मिली है, ये छोड़ दी इसने नीचे। कितना पोल्यूशन इस नहर में है, लोगों ने यहाँ पे, ये देखिए कट्टे पनिया पोलोथीन कितनी डाली हुई है। ये यहाँ पे इस तरह की चीज़ें डालती हैं, तो इतना पोल्यूशन होता है हमारे नहरों में पानी में। उससे बचने के लिए हम लोगों को इतना तो सोचना चाहिए कि भाई हमें क्या फेंकना है नहर में, क्या क्या डालना चाहिए। कितनी सारी पॉलीथीन यहाँ पे पड़ी है, ये देखिए, ये कट्टे कपड़े कैसे डाले हुए हैं। तो कितना नुकसान हमारे पोल्यूशन हमारे वातावरण को हो रहा है। मैं ये नहर भी आपको दिखा देता हूँ। ये नहर जो कि नए पुल से के नीचे से होते हुए पानी, फिर पुराने पुल के नीचे से होते हुए पानी सीधा जा रहा है। पानी इन्होंने कम छोड़ा हुआ है। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। मैं लगभग 15-20 फीट नीचे हूँ नहर में, अब हम ऊपर चलेंगे। ये बड़ा मुश्किल है। ये देखिए, तो दर्शकों ये था आज का सफ़र यहीं तक। बब्बर व्लॉग की तरफ से आप ये वीडियो आपने देखी, और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।